आरएस माज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन आरएस माज के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य यजमान जसविंदर कालिया, धर्मपत्नी उषा कालिया ने पवित्र पावन यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान सुशील आर्य ने मंत्रोच्चारण सहित यज्ञ संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सुरेंद्र गुलशन और सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति का भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध किया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने सभी का धन्यवाद किया। यज्ञ के उपरांत लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना, सुनीत भाटिया, डिंपल भाटिया, ओम प्रकाश मेहता, ईश्वर चंद्र रामपाल, रहमत भाटिया, रूहानी भाटिया, भूपेंद्र उपाध्याय, पुष्पा देवी, अमरनाथ, कुबेर शर्मा, पूनम मेहता, गौरव आर्य, पवन महाजन, कृष्ण कुमार सूद, ऋषु सूद, ललित मोहन कालिया, कुमार गौरव और गौरव मेहता भी मौजूद रहे। जलंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। अपने लिए ही प्रतिष्ठा कमाता है, लोग पहले, स्वार्थ पहले, मैं पहले, ये यज्ञ की भावना नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तक समस्त संसार के कल्याण की भावना ना हो, जो भी कर्म करोगे, यज्ञ के अतिरिक्त जो भी कर्म करोगे, वो तुम्हें बांधेगा, संसार से बांधेगा, अज्ञान से बांधेगा, अविद्या से बांधेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू यज्ञार्थ है, यज्ञ के लिए, यज्ञ की भावना से तू सभी कर्मों को करता चल, आसक्ति को त्याग कर। तेरे मन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यज्ञ की महत्ता के बारे में बताया, योग का बताया, और अच्छे संस्कार करने से, अच्छे कर्म करने से हमारे इस जन्म का और आने वाले जन्म के बारे में हमें बताया। भी कर्म कांड जो आपने बताए हैं वो सब हमें, हम सब जानते हैं ये बातें, लेकिन आप समय समय पर आकर हम सबको एक रिवाइव करते हो तो हमें इससे बहुत जागृति मिलती है। कुछ नए सदस्य हमारे बीच में, कुछ नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे बीच में आ जाए हैं, उनको भी ये सुनने से अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा और ये आने वाले समय में धर्म के रास्ते पर बढ़ेंगे और मानवता दिखाएंगे। विशेष साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन हमारे मुख्य यजमान सुंदर कालिया जी, पूरे परिवार के साथ उनके चाचा जी का परिवार, जो कि दोनों बिहारी परिवार है, दुलाना परिवार है, आज सभी ने आकर के पवित्र में सम्मिलित होकर यज्ञ किया। इस प्रकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। आचार्य जी ने बहुत ही पवित्र भाव वेद मंत्र से यह संपन्न करवाया, और अभी अभी आप देखो 10-12 मिनट में वो इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, इतनी बड़ी बातें कह दी। यज्ञ के ऊपर जब चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो यज्ञ की महिमा इतनी है कि आप एक शब्द ले लेंगे तो उसके घंटों विद्वान को बता सकते हैं। आचार्य जी आप कभी दोबारा आएंगे, यज्ञ के ऊपर आपके कम से कम विचार करेंगे, आधे पौने घंटे आधे से रखेंगे, बेशक भजन से छोड़ देंगे। सर बहुत अच्छा ज्ञान की बातें हैं आपने बताई।